हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सुबह के समय में फिर से प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा प्रभु जी, हमारा जीवन प्रभु तू ही है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे ही वैसे प्रभु हम तेरे पास में आते हैं। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि प्रभु तूने हमें स्वीकार किया तेरे बहुमूल्य लहू के द्वारा। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन कहता है तू हमें अधरलोक में न छोड़ेगा प्रभु जी, तेरे पवित्र लोगों का प्राण को तू नष्ट नहीं होने देगा, सड़ने नहीं देगा, ऐसा करके तेरा वचन हमें कहता है प्रभु जी। तेरे सम्मुख में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, तो हमारा चंगा करने वाला खुदा है। हालेलुया, तू पवित्र है, पवित्र है, तेरे समान कोई नहीं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सुबह के समय में तेरी स्तुति कर प्रभु, तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं तेरी आराधना के लिए। हमारे मनों को, हमारे दिलों को तू तैयार कर प्रभु जी। हालेलुया, आत्मदास सच्चाईता से प्रभु तेरी आराधना करने पाए। हालेलुया, सारा आदर प्रभु, सारा महिमा प्रभु जी तुझे मिलने पाए। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। Yeah.
धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, स्तुति हो, प्रशंसा हो प्रभु तेरी, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी फिर से तेरा धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, ओ स्तुति हो, प्रशंसा हो प्रभु तेरी, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आशीषों का श्रोता प्रभु जी हमारे लिए, ओ जीवन की राह प्रभु तू ही है, हालेलुया, हालेलुया, महिमा हो जाए प्रभु, महिमा हो जाए तेरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु है,
का सारा अधिकार प्रभु जी आपको दिया गया है, हम इसके तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, और कोई नहीं प्रभु जी तेरे समान। हालेलुया, आज के सुबह के दिन हम अपने जीवनों को मनों को तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। हर एक को पर तू कृपा कर प्रभु जी, तेरा अनुग्रह सबके साथ होने पाए। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर महान है, उसने हमें अपने संतान बनाए हैं और उसने हमें राजदूत बनाए हैं, शांति का संदेश, प्रेम का संदेश सुनाने के लिए उसने हमें चुन लिया है। इतना ही नहीं, लेकिन उसने हमें हर एक बीमारी पर अधिकार दिया है, हाथों में चंगाई को लेकर और मन में सदा भलाई को लेकर शैतान के बंधनों में पड़े लोगों को छुड़ाकर हम आजादी दिलवाते हैं। मसीह के नाम में अधिकार को लेकर इस काम को हम करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसने हम पर उंडेला है, उसके द्वारा हम अद्भुत कामों को हम कर सकते हैं। आइए मिलकर उस महान परमेश्वर को ऊंचा उठाए, उसके नाम की प्रशंसा करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
लाए, शैतान के बंधन को तोड़ दिलवा दे रिहाई। हाथ में चंगाई और मन में सदा भलाई, शैतान के बंधन को तोड़ दिलवा दे रिहाई। अधिकार पाके यीशु से ये काम करते हैं, अधिकार पाके यीशु से ये काम करते हैं। हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं, हम राजदूत हैं, खुदा के है। मुंह में वचन की शक्ति और दिल में है यीशु की भक्ति, कंधों पर है जिम्मेदारी आत्माओं को बचाने। मुंह में वचन की शक्ति, दिल में है यीशु की भक्ति, कंधों पर है जिम्मेदारी आत्माओं को बचाने की। में है वचन की शक्ति, दिल में है यीशु की भक्ति, कांधों पर है जिम्मेदारी आत्माओं को बचाने की। सबको मसीह के प्यार से हम प्यार करते हैं, सबको मसीह प्यार से हम प्यार करते हैं। हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं, हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं। बढ़ते हुए कदम को हम रुकने कभी ना देंगे, शैतान के गढ़ों को हम ढाते ही रहेंगे। बढ़ते हुए कदम को रुकने कभी न देंगे, शैतान के गढ़ों को हम ढाते ही रहेंगे। बढ़ते हुए कदम को हम कभी न देंगे, शैतान के गढ़ों को हम डराते ही रहेंगे। हथेली में लेके जान को ये हाल करते हैं, हथेली में लेके जान को ये ऐलान करते हैं। हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं। हम शाम की संदेश सुनाते हैं, हम प्रेम संदेश सुनाते हैं, हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं, हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे। खुदा के बेटे हैं जिसने हमें आशीषित जीवन दिया है। उन महान आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम परमेश्वर से प्रेम करें, उससे प्यार करें। वो हमारा स्वामी है, वो हमारा अंतर्यामी परमेश्वर। उसके संग चलने में हमें कोई हानि नहीं, उसकी स्तुति करते रहेंगे, गीत को हम गाते रहेंगे। परमेश्वर ने उसकी आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए हमें चुन लिया है। आइए मिलकर हम उसकी आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड रब, हालेलुया।
प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे ये मेरी प्यासी प्रभु, टूटा मेरा जीवन था, नहीं कोई साथी था प्रभु, मेरे जीवन में दुख आया और खुशियां लेकर आया, हर तरफ उदासी थी आंखें मेरी प्यासी थी, टूटा मेरा जीवन कोई साथी था, मेरे जीवन में तू आया, खुशियां लेके आया, जीवन भर गए मेरे आशीषों से तेरी, इसलिए मैं कह तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। हालेलुया, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा है प्रभु, सब कुछ तूने मेरे जीवन में
जो भी जरूरी था उसने पूरा किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, मिलकर प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी प्रशंसा गाते हैं। तू ही योग्य है प्रभु, तू ही महिमा के योग्य है प्रभु, तू ही राजकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया, सारे लोगों के लिए प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने संसार से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता बेटा हमारे उद्धार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई तुझ पर विश्वास करे उसका कभी नाश ना हो लेकिन वह अनंत जीवन पाए। मसीह में अनंत जीवन तूने हमें दिया है प्रभु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों के लिए प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, सारा आदर महिमा प्रभु हम तुझे देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नामों में। आमीन। इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय उसकी 25वां आयत पढ़ेंगे और भी कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हिब्रूस चैप्टर 7 वर्स 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यहाँ पर हम यीशु मसीह की एक सेवकाई के बारे में हम पढ़ते हैं, लिख रहे हैं इसलिए उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। तो इस वचन को आज हम मनन करेंगे। यीशु मसीह की सेवकाई यहाँ पर बता रही, इसलिए क्यों, इसके पहले वचन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 24वां आयत, पर यह युगानुयुग रहता है। युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। याजक पद, यीशु मसीह का महायाजक की सेवकाई के बारे में यहाँ पर बता रहे, वो हमारे लिए महायाजक है। पुराना नियम में महायाजक होते थे, लोगों के लिए बलिदान चढ़ाने में, लोगों के लिए भक्ति भाव में, परमेश्वर से मिलाने में, हाँ परमेश्वर के पास उनके लिए प्रार्थना विनती पहुंचाने के लिए वो एक मध्यस्थिति का काम वो लोग करते थे। और वो लोग मनुष्य होते थे, इसके वजह से जब उनके मृत्यु हो जाता है उनके याजक पद वहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में यहाँ इस वचन में हम पढ़े हैं युगानुयुग जीवित है। यीशु ने कहा मैं मरा था जिंदा हो गया हूँ, युगानुयुग में जीवित हूँ, युगानुयुग जीवित है। और उसके याजक पद जो अटल है, हमेशा के लिए वो रहने वाले हैं, कि पिछले 2000 वर्षों से कलीसिया को उद्धार करते जा रहे हैं, कलीसिया में आने वालों के लिए उद्धार मिल रहा है। कलीसिया है लोगों के लिए नॉर्मल आम लग रहा है, लेकिन कलीसिया मैंने कहा ऊंची जाति, जाति का बात नहीं है, ये तो स्वर्गीय जाति है, स्वर्गीय इंसान बन जाते हो। यहाँ पर जब आ गए हैं, पिता से आपका मुलाकात हो गए हैं, उनके द्वारा पिता के पास हमारा पहुँच हो गया है, और युगानुयुग जीवित है। इसलिए करके बोल रहे हैं 25वां आयत में, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आज यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते में हम मनन किए हैं यीशु मसीह हमारे लिए प्रभु है। क्या है? प्रभु, प्रभु है, मालिक है, हमारा स्वामी है, हमारा चीफ है, हमारा सिर है, हमारा दुल्हा है, हमारा मास्टर है। आज हम देख रहे हमारे लिए एक महायाजक है।
ऐसा महायाजक है हमारे ऊपर तरस खाता है। गाना गाए, तू तरस खाता है मेरी कमजोरियों पर, करता निवेदन पूरा, देता उद्धार, देता पूरा उद्धार देता है, आधा अधूरा नहीं। आप सोचेंगे पास्टर जी मैं आया हूँ अभी तो मैं ठीक हूँ, आगे क्या होगी, आगे मैं कैसे रह पाऊँगा, मेरे लिए कौन सपोर्ट करेगा? सपोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया का सुप्रीम कोर्ट भी आपका केस में फेल करा सकते हैं, लेकिन स्वर्गीय का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, उसमें आपका केस जीतवाना है, उसके लिए आप ऐसा वकील आपके लिए वकालत कर रहा है। ये काम किसके लिए करेगा, किसके लिए करेगा? दुनिया में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी जनता है, सबके लिए वो वकालत करेगा नहीं, उनका चिंता नहीं। सही जवाब दो, हाँ उनके लिए नहीं करेंगे, करेगा? दुनिया में ऐसा कोई वकील है आप उसके पास जाएंगे नहीं, वो आपके लिए वकालत करेगा? कोई डॉक्टर है कि आप जाएंगे नहीं, वो आपके लिए जबरदस्ती में ट्रीटमेंट देगा? हाँ क्या बोले? नहीं वो मेरा सवाल क्या है, सबके लिए वकालत कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा है ना, वही जो अभी जो वचन पढ़े हैं वो लिख रहे हैं, उसके द्वारा पिता के पास जाते हैं, उनके लिए, उनके लिए जो वकील है, अच्छा वकील है, बेस्ट वकील है, वही पिता परमेश्वर के पास आपको पहुंचाने वाले हैं, आपका केस को सपोर्ट करने वाले हैं। शैतान आके बोलेगा ये पाप कर दिया है, ये तो गुनहगार है, इसको माफ नहीं करना। यीशु जी आके क्या बोलेंगे पिता के पास? बोलेंगे इसके लिए मैं लहू बहाया, उसके लिए सबूत है, मैंने लहू बहा दिया, इसके पापों को धोने के लिए मैंने उपाय बना दिए, इसके पापों के बोझ मैंने मेरे ऊपर ले लिए हैं, इसके बीमारी को भी मैंने ले लिए हैं, इसको चंगाई किया जाए, इसको पाप क्षमा किया जाए, इसको मौका दिया जाए। हमारे लिए निवेदन करता है, विनती करता है, ऐसा एक महायाजक है, तरस खाता है, इसलिए पूरा पूरा उद्धार करेगा। ये बहुत जबरदस्त वचन है, इस वचन को समझ लो आज। इब्रानी 7:25 युगानुयुग जीवित है, हाँ दूसरा कोई भी आपको प्रभु में लाएंगे, प्रभु में आगे बढ़ाएंगे, अपना समय आएगा वो लोग चला जाएंगे, लेकिन युगानुयुग जीवित है, स्वर्ग का कोर्ट में वास्तविकता है, और शैतान दोष लगाने वाले हैं वो भी दोष लगाते मालूम है। अय्यूब के बारे में किताब में पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या बोल दिया शैतान जा कर के, हाँ पिता परमेश्वर से क्या बोला, अरे ये तो मेरे को मालूम है, ये तो आपका ये नकली है, ये नकली क्रिस्ती है, ये तो सब कुछ ठीक है, इसलिए चर्च आ रहा है, इसके में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा वो तो चर्च जाना बंद कर देगा। ऐसा करके वो चुगली कर रहा था, ऐसा जाके दोष लगा रहा था। देखो अय्यूब का किताब में पढ़ोगे तो पता चलेगा अय्यूब बीच में रो रहा है, ऐसा कोई है मेरे लिए, कोई बीच में कोई हो, मैं परमेश्वर के पास कैसे जाऊं, मेरे लिए कोई बीच वाला कोई मनुष्य मिले, क्या बोल रहे हैं, मुझे मेरा बीच वाला कोई मनुष्य मिले, मुझे कैसे सुनेंगे, प्रभु पिता के पास इतने ज्योतिमय परमेश्वर के पास मैं कैसे जाऊं, मेरा केस को उसको रखना चाहता हूं,
मेरे लिए कोई नहीं करके रो रहा था माले में। उस समय में यीशु मसीह मनुष्य का शरीर में होकर इस दुनिया में नहीं आया। ये भी एक सीक्रेट है। कोई भी याजक होना चाहिए, परमेश्वर के लिए आपके लिए मध्यस्थिति का काम करना चाहिए। उस इंसान को, उस व्यक्ति को मनुष्य बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मनुष्य है, तभी तो मनुष्य के लिए सपोर्ट करेगा। और स्वर्गीय कोर्ट में जाना चाहिए, पिता के इक्वल होना चाहिए, परमेश्वर भी होना चाहिए। दोनों क्वालिफिकेशन में कोई नहीं मिलता, इसलिए परमेश्वर पिता अपना पुत्र को, परमेश्वर ही है, वो भी ईश्वरीयत्व उसके पास है 100%, लेकिन मनुष्य बनकर आए हैं ताकि मनुष्य के लिए याजक बन सकेगा। यीशु मसीह का मनुष्यत्व को आप आदर करना चाहिए, ईश्वरीयत्व को आदर करना चाहिए, वैसे मनुष्यत्व को भी हम आदर करते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य नहीं बनाया होता, उनकी बलिदान हमारे लिए नहीं होता, आज हमारे लिए महायाजक भी नहीं होता। यीशु मसीह हमेशा कहते थे, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। क्या कहते थे? कहने का क्या मीनिंग है? वो तो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र होकर स्वर्ग में रहता, हमें नहीं बचा पाता। मनुष्य का पुत्र बनकर मनुष्य के शरीर में आए, 100% मनुष्य भी था, तभी तो हमारे लिए बलिदान होने पाया, हमारे लिए याजक बना। दूसरे याजक लोग क्या करते थे? जानवर बलि चढ़ाते थे, दूसरे जानवर को बलि चढ़ाकर उस लहू को चढ़ाते थे, लेकिन यीशु मसीह का बलिदान अपना ही शरीर से याजक बना, उनके खुद का लहू बहाया, तभी मध्यस्थिति बन गया। आज आप तीमुथियुस की किताब में पढ़ोगे, पहले तीमुथियुस दूसरा अध्याय में वहाँ बता रहे हैं ये कि परमेश्वर है। और पढ़ना पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 3, 4, 5, 6। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, और वे सत्य को भलीभांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मसीह, यही मनुष्य क्यों लिख रहे हैं माले में? मसीह लिख रहे हैं। मसीह मतलब परमेश्वर का पुत्र है, समझ रहे? द वर्ड मसीह में अनॉइंटेड, जो परमेश्वर की तरफ से अभिषिक्त होकर मसीह बनकर आए हैं, लेकिन मनुष्य भी बन गया है ताकि बिचवाई बने। आगे अगला वचन, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, और उसकी गवाही ठीक उस समय पर दी गई। अपने आप को दिया, देखो मनुष्य बनकर आए, तभी बलिदान चढ़ाया, तभी आपके लिए बिचवाई का काम कर रहे हैं। परमेश्वर खुद मनुष्य के शरीर में आकर, अय्यूब चिल्लाता था, अय्यूब रोता था, मेरा कोर्ट केस कौन लड़ेगा? आज आपके लिए एक वकील है। वकील क्या बोलता है? इसको और भी मौका दिया जाए, और भी चांस दिया जाए, है कि नहीं? कभी कभी कंपनी में हम कोई साहब लोगों को देखे होंगे, ये गलती हो गई, क्या करेंगे? तुरंत फाइनल दे देंगे, घर चले जाओ, तुमको कोई चांस नहीं। ऐसे ऐसे कड़ूस लोग होते हैं, वो बोले कितना भी गलती कर रहा होगा, लेकिन आपका एक गलती को भी क्षमा नहीं करेंगे, मौका नहीं देंगे। लेकिन हमारे लिए एक महायाजक है, मनुष्य बनकर आए और हमारे लिए बलिदान हुए, एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर कितना है? हिंदू वाला भगवान अलग है, जैन वाला का अलग है, ऐसा है? एक ही परमेश्वर है। और उसके पहुंचने के मार्ग कितना है?
बिचवाई कितने लोग हैं? एक ही। दूसरा हमारा मसीह धर्म में कुछ लोग हैं भाई लोग, वो लोग गलत विचार में पड़े हैं, इस वचन जानते नहीं। हाँ, वो सोच रहे हैं हमारे लिए जो स्वर्ग चला गए हैं, पतरस है, योहन्ना है, मरियम है, वो लोग हमारे लिए पढ़वांगला चलेंगे चलना था ज्ञान से ना गुड़ बनाने ज्ञान से ना गुड़ तेरे अपर चार्ज कोड़ा बार मार्टी करांगे ये ना प्रोजन अब बारेंगे नल्ला अर्पणी चेड को ना ज्ञान से अन्ना सरिया येड को ना देवन को मनुष्य को मध्यस्थर यतने पेरे यार अवरे मनुष्य ना ही बंदे येसु क्रिस्त देवत्व में इरुक्क अवरुक्कु अप्पदान पण्ण मुडियुम அந்த பாட்டியும் அவருக்கு புரியும், இந்த பாட்டியும் அவருக்கு புரியும், புரியுதா? ஓ மே சமாச்சாரம் உஸ்கோ தோனோ பாஜு மாலுமே ஹை கே நீ மனுஷ கபி ப்ராப்ளம்ஸ் உஸ்கோ மாலுமே பரமேஸ்வர் கே தரப் சே உன்கே வியூ பாயிண்ட் மே பி உஸ்கோ மாலுமே அமாரா ஜேசே பன் கே இஸ்லே அமாரா சப்போர்ட் கர்த்தா ஹை அமாரா ஜாதி ஹை வோ ஹம் பரமேஸ்வர் கே ஜாதி மே ஹம்கோ ஹோனே கே லியே हमको हमारा जाति में वो आ गया। कौन सा जाति है तुम? मैं तो अभी स्वर्गीय जाति हूँ, क्योंकि स्वर्गीय जाति वाला हमारा जाति में मिल गए हैं, हमको उनका जाति बना दिए हैं। इसलिए मैं बोला ऊंचे जाति नीचे जाति कुछ नहीं, जब हम स्वर्ग आ गए हम स्वर्गीय जाति है, बाकी सब नीचे जाति बड़े कितना भी बड़ा जाति क्यों ना हो वो सब नीचे जाती, वहाँ से ऊपर से उतर कर आए हैं हमें पिता से मिलाने के लिए। गाना गाते सताया गया तू त्यागा गया सब कुछ सहा हमको मिलाने पिता के संग। एक ही बिचवाई है सबके लिए नहीं करेंगे, ये समझ लेना, सबके लिए नहीं कर पाए, करना चाहते हैं माले में सबके लिए वो सर्विसेस जो अवेल करना चाहेंगे, बोलते हैं ना ये सर्विसेस है हमारा आपके लिए फ्री सर्विस। क्या सर्विस? फ्री। लेकिन सर्विस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म तो फिल करना, फॉर्म में केवल दो ही फिल करना, ये मेरा नाम है और मेरा अटक है, यही है, मेरा पापी है मैं, अभी मैं आपका अटक लेना, धर्मी का अटक मुझे चाहिए, मेरा धर्मिकता नहीं आपके पास आया, मेरा केस जीत नहीं पाऊंगा, ये छुपा करके मैं नहीं जीत पाऊंगा, अरे मैंने पाप नहीं किया चलो मेरा पास कर लो, ऐसा नहीं होता। बोलेंगे गलती किया साहब, बोलेगा कोई बात नहीं, इसका गलती को मैं पेमेंट दे दिया इसलिए इसका माफी किया जाए। इस ढंग से होता है स्वर्ग के कोर्ट में, मालूम है आपको? इस ढंग से अय्यूब को तो अपने धार्मिकता में लड़ रहा था वो बेचारा, उस समय में परमेश्वर का पुत्र भी था वही स्वर्ग के कोर्ट में, लेकिन मनुष्य बनकर नहीं आया इसलिए उनके केस हो लड़ नहीं पाया। लेकिन 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह आ गए, हमारे लिए वकील मिल गए हैं, वकालत इसलिए पूरा पूरा उद्धार करेगा, आधा अधूरा नहीं, 99% नहीं, कितना परसेंट? 100% उद्धार करेगा, हर क्षेत्र में करेगा, आपके अंदर आत्मा में, मन में, शरीर में, हर जगह पर, नौकरी में, सब जगह पर परमेश्वर के उद्धार के सामर्थ्य काम करेगा। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही बिचवाई है, दूसरा नहीं। दूसरा लोग कर नहीं पाएंगे, वो लोग मनुष्य है, वो लोग हमारे लिए दाम नहीं चुकाया। पौलुस बोलते थे मैं आपके लिए क्रूसित नहीं हुए, वो लहू नहीं बहाए, वो हमारे लिए पेमेंट नहीं किए, पेमेंट किया वही हमारे लिए लड़ेगा, हमारा केस बोलेगा स्वर्गीय कोर्ट में। इब्रानी में लिख रहे हैं हमारे लिए वो लेके गए अपने खुद को लहू को ले जाकर वहाँ पर
अनंत काल की छुटकारा। इब्रानी 9:12 में देखना, दूसरे लहू नहीं लेके गए, अपना ही लहू लेके जाकर स्वर्गीय कोट में अनंत छुटकारा दे दिया है, इसलिए पूरा पूरा उद्धार कर सकते हैं। इब्रानी 9:12 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अपना लहू को ले जाकर अनंत छुटकारा प्राप्त किया, यही मैं बता रहा हूँ क्यों आपके लिए महायाजक की जरूरी है। दुनिया में तो महायाजक लोग होते थे शारीरिक हिसाब से, वो लोग जानवर को बलि चढ़ाते थे, लेकिन वहाँ पर पापों को नहीं मिटाया जाता था, केवल समय तक वो कवर किया गया। एक ही समय पर आया, परमेश्वर के मेमना बनकर आया और हमारे लिए लहू बहाकर मध्यस्थिति का काम शुरू हो गया है। मध्यस्थिति करता महायाजक, तू बिनती मेरे लिए करता सदा, तेरे सामने मैं पवित्र रहूं, पूरा पूरा उद्धार करेगा। आज मेरा संदेश ये है, अवेल करो, वो सर्विसेस फ्री में है, आप दौड़ना। हाँ, हम गाना गाते हैं, उस आशा को पाने को दौड़े हम, आत्मा का लंगर है जो, गाना गाते हैं कि नहीं, कृपासन के पास आए, जो आत्मा की लंगर है, जीवन का आशा है, आशा को पाने के लिए हम दौड़े हैं, हम कृपा से पाने मदद मिलेगा, आशा मिलेगा, वहां पर आपके लिए केस जीतेगा, सैंक्शन हो गया। देखो मेन चीज क्या होते हैं, हाँ, सपोज आपने अप्लाई किया, कोई लोन है, कुछ भी अप्लाई किए, मेन चीज़ क्या है, पहले वो चीज़ क्लियर होना, बाद में आते रहेगा महीना जो आपका जो ड्यू है वो तो हमारा तो ड्यू नहीं भरना यहाँ, तो इसमें कुछ नहीं, वो तो भर गए, कोई भी आपका मिलना है सैंक्शन होना पड़ता है, अप्रूवल होना पड़ता है, सिग्नेचर होना पड़ता है, पास होना पड़ता है, पास हो गया तो मिल जाएगा, बाद में कार्रवाई वो तो लोग करेंगे, हाँ, कैसे भी केस जीतना चाहिए, केस जीत गया क्योंकि एकदम ईश्वरत्व मनुष्यत्व दोनों आते हुए हमारे लिए गया, हमारे लिए अभी भी चालू है उसका काम। मैंने पिछले हफ्ते में गए कहा, वो चले गए, आज जाकर आराम नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ होल यूनिवर्स काम कर रहे हैं, उसका वो एक काम है, लीडरशिप का काम है, लोगों को नियुक्त करने का काम है, किसको क्या, इसमें बैठे कितने प्रेरित बैठे, कितने सुसमाचार प्रचारक बैठे, कितने पास्टर्स बैठे हैं, कितने इवेंजलिस्ट बैठे हैं, कितने बाइबल टीचर्स बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्वर्ग में तो वह लिस्ट में आपका नाम होगा कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं असाइन किया होगा आपका, कोई 5 सेवकाई में होगा, नहीं तो दूसरे अलग अलग सेवकाई होते हैं, ओनली 5 नहीं है, हेल्प्स होते, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, हाँ, वेराइटीज ऑफ टंग्स होते, अलग अलग सेवकाई है, एग्जॉर्टेशन भी है, अलग अलग टीचिंग है, प्रोफेसी बोलना, इंटरप्रिटेशन करना, चंगाई करना, आपके लिए लिखे होंगे, आपके कुछ काम दिए होंगे, जरूर प्रकट होगा, लेकिन फाउंडेशन मैं तो क्या है, फाउंडेशन डाल रहा हूँ, मेरा जो टीचिंग है ना, आप लोग अच्छी तरह सुन लेना, मेरा टीचिंग में क्या है, शुरू में आपको इतना मतलब एक्साइटमेंट वाला नहीं रहेगा, ऐसा उछलने वाला बात कभी कभी आता होगा मेरे में से भी, लेकिन उछलने वाला ऐसा बात नहीं कहूँगा, लेकिन आपको मजबूत बनाने वाले बात है, ऐसे ऐसे वचन जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि कोई ने मुझको सिखाया, ऐसे ऐसे वचन कोई बाइबल टीचर से मैं सुना, काफ़ी साल पहले सुन गया, वो सब भूल गए होंगे,
लेकिन एक फंडामेंटल एक प्रिंसिपल वचन को कैसे सीखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। एक वचन को अकेला लेकर के देखना नहीं है। हाँ, कोई एक ही वचन पकड़ के बोल रहा है जीसस वेप्ट, क्या लिखा है, यीशु रोया, सबसे छोटा वचन है, ठीक है। वो लेकर के एक इंसान टीचिंग दे रहे, यीशु जी जो जिंदगी भर रोते रहा, कभी भी उसके मुस्कुराना की नहीं था उसको, हमेशा दुखी पुरुष था। यही वजह, यही टीचिंग है, ऐसे ही वचन को पढ़ना पड़ता है क्या भाई? एक वचन को लेकर के पूरा पिक्चर नहीं पता चलेगा। काफ़ी जगह में लिखा है यीशु मसीह पापियों के भी साथ में जा कर के खाना खाते थे, आनंद मनाते थे उनके साथ, उत्साहित होके आनंद से पिता से धन्यवाद ही प्रार्थना करते थे। पिता ऐसे बुद्धिमानों को छुपा कर इनको आपने प्रकट किया करके खुशी से बताते थे। और जब वो लोग बड़े बड़े चंगाई करके आए, हाँ, इनका कंपटीशन नहीं है, प्रभु जी को आनंद होता है मेरे बच्चों लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। और ये भी बोलते थे मेरे विश्वास करने वाले मेरे से भी बड़े काम भी करेंगे। ऐसे से कड़ूस ऐसे कंपटीशन सोचने वाला नहीं, आनंद से रहने वाले हैं। वो दुखी पुरुष लिखे हैं ऐशाया 53। ऐशाया 53 क्या भविष्यवाणी है? यीशु मसीह का क्रूस में बलिदान होने का समय का वहाँ पर जिक्र हो रही है, वहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। उस समय में दुखी पुरुष बन गया, उस समय में हमारा रोगों को ले लिया। उसके पहले उसको कभी बीमारी हुआ 37.5 वर्ष? बिल्कुल। कभी भूख लगा, प्यासा हुआ, नींद आया? देखो, नींद आ सकते हैं, प्यासा हो सकते हैं, भूख लग सकते हैं, टायर्ड हो सकते हैं, टायर्ड मतलब थकावट हो, वो सब हुआ यीशु मसीह को, लेकिन उसको कभी बीमारी नहीं आया। ये बाइबल से हम सीखते हैं। और मालूम है वो यीशु जी हमारा अंदर आज जीवन बिताना चाहते हैं। उसके शरीर में बीमारी नहीं आया, क्यों मेरे शरीर में आपका शरीर में क्यों आना चाहिए? बोलो, नहीं आना, आना ही नहीं। पहले सबसे पहले सोचो मेरे अंदर बीमारी नहीं आना, यीशु जी के जैसे मुझे रहना है। इसके लिए ही महायाचक है, इसके लिए हमारा वक्त केस लड़ रहा है। इसको मेरे समान मैं बना के ही छोड़ूंगा। पूरा उद्धार का मीनिंग ये है। पूरा उद्धार क्या है? 100% यीशु के जैसे, यीशु ही आपके अंदर से जिंदगी जीते रहेंगे। आपके अंदर प्रेम की भरपूरी, विश्वास की भरपूरी, सामर्थ्य की भरपूरी, तरस खाने वाले, किसी को भी प्रेम दिखाने वाले, मौका देने वाले। यीशु जैसे मैं नहीं बन पाऊंगा, आप भी बन नहीं पाएंगे। यीशु जीते रहेंगे, मुझ में यीशु दिखते रहेंगे। तो आज यही उनका पूरा उद्धार का मीनिंग ये है, मैं और आप यीशु जैसे ही सोचेंगे, यीशु जैसे ही बोलेंगे, यीशु जैसे ही रहेंगे, हम लोग भी लोगों के लिए भले, हम लोग नहीं पूरा उद्धार नहीं कर पाएंगे, हम भी एक हद पर ये सेवकाई को हमें करना, यीशु जैसे हम भी लोगों के लिए तरस खा करके प्रार्थना करना। हमारा प्रार्थना को लेकर वो भी सपोर्ट करेगा। लेकिन हमारा मध्य स्थिति का काम हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सपोर्ट करते लोगों के लिए। हमारा द्वारा लोग पिता के पास, यीशु मसीह के पास हम पहुंचाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा लोग पिता के पास जाते हैं, उनका केस को लड़ते हैं। मालूम है यौहन लिख रहे हैं हमारे लिए प्रायश्चित है, और वो हमारे लिए प्रायश्चित है कि नहीं? बोलो, प्रायश्चित मतलब क्या है? हमारे लिए पेमेंट कर दिए, प्रायश्चित। और दुनिया के लिए भी है क्या प्रायश्चित?
क्यों आंटी बोल रहे हैं इसलिए? सबके लिए मिलेगा, विश्वास करने से मिलेगा। तो यही है, सबके लिए प्रायचित है, विश्वास करने वालों के लिए मध्य स्थिति है। समझ में आ गए? प्रायश्चित तो सबके लिए दिया गया है, सैक्रिफाइस तो सबके लिए है, लेकिन हमारे लिए महायाजक बन जाएगा उनके लिए जो उसके द्वारा पिता के पास आते हैं। वही लिख रहे हैं वचन, पहला योहना 2 वचन पढ़ना, 1 और 2। पहले योहना 2:1-2। हे मेरे बालको, बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। ये बालको सुन रहे हैं, योहान लिख रहे हैं। योहान का उम्र उस समय 90+ होगा जब ये लिख रहा था। तो ये मेरे बालको, ये मेरे बच्चे लोग हाँ, मैं बोलता ना भाई बहन बच्चे लोग, उनके लिए सब बच्चे लोग हैं। हाँ, उनके भाई बहन तो कोई है नहीं, क्योंकि उसके उम्र वाला कोई है नहीं, इधर उधर चला गए होंगे। 90+ वही बहुत एजड आदमी था उस समय में। ये मेरे बच्चों लोग, मैं लिख रहा हूँ कि पाप ना करना। क्या नहीं करना? पाप नहीं करने के लिए लिख रहे, समझना, पाप नहीं करना। मध्य स्थिति है, प्रायश्चित है, इसलिए मैं पाप करूँगा ऐसा विचार नहीं रखना। पहले से बता देते हैं जो, क्योंकि जो संदेश अभी देने जा रहे हैं उस संदेश को सुनकर लोगों के मन में ऐसे एक विचार आ जाएगा, कोई बात नहीं है, हमारा केस लड़ने का वकील तो है, इसलिए कुछ भी हम करेंगे कोई वांदा नहीं, ऐसे लोग सोच लेंगे। इसलिए पहले से पवित्र आत्मा को मालूम है, जो लिखने वाला यौवन के अंदर वो ज्ञान मिला है, पहले से लिख रहे हैं ये मेरे बालक, मेरे बच्चे लोग, मैं इसलिए लिख रहा हूँ तुम पाप नहीं करना, है ना। आगे पढ़ना अगला वचन। और यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, सपोर्ट है, आपके वकील है, वकालत करने वाले, आगे, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वो भी और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान दे रहे, मनुष्य लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग सब पापी हैं, लेकिन वो 100% धर्मी है, परफेक्ट है। हाँ, परफेक्ट है वो। सपोज एक वकील लड़ रहा है केस में जज के पास, समझ लो, लेकिन वकील खुद उस केस में फंसा हुआ है समझ रहे, मैं समझा रहा हूँ, जो कुछ मर्डर हो गए, कुछ हो गए, वो वकील भी उसमें गुनहगार है सपोज, नहीं तो गुनहगार नहीं है, इस कंसीडर्ड गुनहगार, मे बी सस्पेक्टेड, तो क्या करेंगे? कोर्ट में बोलेंगे इसका वकील का काम नहीं देंगे, भाई वो खुद सस्पेक्ट है, वो उसमें भी डाउट आ रहा है, वो भी इसमें शामिल है, गुनहगार वकील का काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा, मध्य स्थिति कोई भी मनुष्य नहीं कर पाएंगे, भले हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाँ, कोर्ट में चलेगा नहीं, मेरा लहू बहाकर भी मैं आपके लिए करूँगा, वो चलेगा नहीं, यीशु के लहू से सपोर्ट मिलेगा, 100% उद्धार मिलेगा, धर्मी यीशु मसीह। आगे बढ़ना। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारा पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी। यही बात है, सारे जगत के पापों का, सब लोगों के लिए बलिदान तो हुए लेकिन सबके लिए लागू नहीं होते हैं, जब तक उस बलिदान पर विश्वास नहीं करेंगे, उसके आधार पर पिता के पास नहीं जाएंगे, वो बोलेंगे मैंने इतना उपवास किया, मैंने इतना ये किया, इतना गंडा गंडा प्रार्थना किया, इसलिए मुझे स्वीकार किया जाए, मैंने इतना इतना धर्मम पढ़ने, धर्मम तलैकाकुम
எங்க மக ஒருத்தர் சொல்லியிருந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு ஏதோ கார் ஆக்சிடெண்ட் ஆக பார்த்துச்சான், பொழைச்சிக்கிட்டாரான். எங்கள் மகளும் போய் இந்த ஆண்டவர் கிருபையில் காப்பாற்றிட்டார் பாருங்க. அதனால தான் சொன்னேன், எந்நேரம் பிளீட் த பிளட் அமேஷா மே கத்தாம் லஹுக்கா சிட்காவுக்கிலி அமேஷா பிரார்த்தனாக்கே சாத் பாகர் ஜானா தோ பாய் காத்தே மேனே சுபே கோய் கரீப்கோ 10 ரூபாய் தியா தா இசிலே மேரா பகவான் முஜே பச்சா லியா. மேரே பேட்டினே சம்ஜா ஏசா நீ ஹோத்தா ஹே, ஹாம் हमको 10 रुपया देना चाहिए, वो गलत नहीं, देना भी चाहिए, उसके वजह से बचाया ऐसा तो नहीं है। यीशु मसीह का अनुग्रह ने उनको बचाया, अनुग्रह, ये अनुग्रह है, महायाजक का मेन काम है। अभी अनुग्रह के संदेश हम दे रहे हैं, गॉस्पल ऑफ ग्रेस, गलाती किताब में काफ़ी पढ़ने को मिलेगा। गलाती किताब और इब्रानियों की किताब में ज्ञान नहीं पाओगे आपका पूरा पूरा उद्धार, उद्धार पा लिए स्वर्ग तो चला जाएंगे, लेकिन आप एक परिपक्व नहीं हो पाएंगे। ऐसे ऐसे वचन को समझने में आपको मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। आप बोलेंगे पास्टर जी क्यों लिखा है, मनुष्य क्यों लिखा है, वो भी मैं समझा दिया। मनुष्य बनकर आएगा, मनुष्य के शरीर में आएगा, तभी आपके लिए याजक बनेगा, तभी तो आपके लिए प्रायश्चित बनेगा। वहाँ से बैठ करके कैसे बलिदान होंगे? मनुष्य के शरीर में आया, धर्मी ठहराया गया, धर्मी है, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, प्रायश्चित है, हमारे लिए निवेदन भी करता है। यदि कोई पाप करे, हाँ कौन पाप करे, यदि कोई पाप करे, विश्वासी है अविश्वासी है वो, हम्म, वो तो विश्वासी है। ये बच्चे लोग किसके लिए लिख रहे हैं? विश्वासी को ही लिख रहे हैं, कलीसिया में से कोई भी है ना। दूसरे लोगों के लिए वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके शरण स्थान में वो लोग आया नहीं। उस वकील के पास आकर के उसके सर्विस के लिए रिक्वेस्ट नहीं दिए, उसके पास आकर के बोलने रहे, बोलते तुम्हारा क्या जरूरत, मैं मेरा कोर्ट केस मैं ही जीत लूँगा। कोई लोग होते हैं ना माले में, कोर्ट में यू कैन कीप अ वकील, आप वकील रख सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं आप खुद भी जा कर के कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जीतना नामुमकिन है। वहाँ का उसका सारे क्लास मालूम होना चाहिए, लॉस मालूम होना चाहिए, रूल्स मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा, गुनहगार नहीं होगा, उसके गुनहगार करके दो मिनट में वो लोग साबित खरीदेंगे। ऐसे ऐसे क्योंकि अपोजिट पार्टी तो वकील रखा होगा, है ना, वो वकील तो ऐसे ऐसे दुनिया के वकील होते हैं। हाँ, इंदिरा गांधी को भी सुसाइड किया करके साबित करने के लिए कोशिश किया है। हमारा देश में ऐसे भी कितने डे लाइट में गोली मारा, इसका भी छुपाने के लिए लोग कोशिश करते हैं। तो इतनी दुष्ट दुनिया में लोग हैं, तो इसलिए इसका तो क्या है, दुनिया का कोर्ट का कोई ठिकाना नहीं। मैं स्वर्ग कोर्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ धर्मी वकील है, मनुष्य बनकर आए, ईश्वरीयत्व है, ईश्वर के कोर्ट में चलेगा, उसका नियम भी उसका मालूम है, यहाँ का भी मालूम है, दोनों को मालूम है, दोनों के बीच में ब्रिज बन गया, ब्रिज क्या बन गया, ब्रिज। यही मैंने गुड फ्राइडे का दिन में बताया, हम दोनों को एक साथ पिता से मिलवाया, हमारा बीच भाई का काम बहुत ज़रूरी है। अब यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र विश्वास कर रहे हो, जरूर विश्वास करना चाहिए, साथ ही साथ उसके बलिदान को, उसके याजक का काम है, हमारे लिए कर रहा है, हमारे लिए बलिदान देकर के हमें पवित्र किया, सिद्ध किया, एक ही बलिदान से। इब्रानी में लिख रहे एक ही बार बलिदान देकर के उसके शरीर बलिदान होने से हम पवित्र हुए हैं। इब्रानी 10:10
देखो दो काम कर रहे हैं, बलिदान का काम किए, याजक का काम कर रहे हैं। अपने शरीर के बलिदान से हमें पवित्र किया, इब्रानी 10:10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पवित्र किए गए हैं। आगे, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। जा बैठा, यही मैं बात कर रहा हूँ। परमेश्वर के दाहिने बैठकर क्या कर रहा है? हाँ, तमिल पढ़ना तेरियो पवनार वसनों तमिल इधरक पारेंगे। நட்டமா நிற்பான். எங்கள் ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தார் அரக்கோணத்தில், அவர் வருவார் எங்கள் வீட்டுக்கு, நட்டமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கான், அதுக்கு அவனுக்கு ஃபுல்லாக பேமெண்ட்டு கிடைக்குதுன்னுவார். என்ன வேலை அது? வாட்ச்மேன், செக்யூரிட்டி. நட்டமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கான், நட்டமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் நானும் இங்கே. அங்கே ஆசிரியர்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க? நட்டமாக உகர முடியாது. அப்படி தமிழ்நாடுமே டீச்சர்ஸ்கெல்லையே நீயாமே மாலையுமே ஒழுங்கு பயிட்டுனே பாயங்க. யாம் பருவே செய்ய எக்ஸாம் டைம் பயிட் சக்து நீ வா எக்ஸாம் டைம்னே ஹமேஷா பார்த்த கபி பி கிளாஸ்மே குர்சி ரேகா பயிட்னா நீ क्योंकि काम उनको करना है। यहाँ पर याजक लोगों के बारे में पता नहीं हिंदी में नहीं गुजरात में आ रहा है कि नहीं ब्रदर, वो 10:11 हमारा तमिल में लिखा है, वो हमेशा कड़ा रह करके उबो रहे चे उबो है ना उबो, ये तो मैं बोल रहा हूँ। कैसा लिखा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ना। खड़े होकर, सॉरी सॉरी वो पढ़ा था उसने, खड़े होकर आ गए आ गए, कड़ा हो रहा है, मैं भी कड़ा हूँ। मतलब कड़ा है मतलब क्या है? काम कंप्लीट नहीं हुए हैं, कड़े रहते हैं, बार बार करते रहेंगे, बार बार अप्लाई नो रिप्लाई, बार बार अप्लाई द ब्लड, साफ है नहीं हो रहे। उस समय में ऐसे ही था, उससे नहीं होने होने वाला था, वो कड़े होके करते रहेंगे, लेकिन ये तो करके बैठ गया, करके दिखा दिया। परमेश्वर की दाने और बैठे हैं और लिख रहे हैं, अगला वचन पढ़ना, 13:10। और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने। हाँ, उसके लिए बात जो रहे, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। सिद्ध कर दिया, देखो यही महायाजक यीशु मसीह का महायाजक पद का महत्व है। पवित्र करेगा, सिद्ध करेगा हमेशा के लिए। प्रभु के वो परफेक्ट है, हमको भी परफेक्ट बना देता है, हमको पवित्र बना दिया, सिद्ध कर दिया। एक ही बार उसकी चढ़ाव के कारण मेरे खुद की कुबियत से नहीं है, मेरे खुद की ताकत से नहीं है, यीशु के बलिदान से, उसी से मेरा पास हो रहा है मेरा केस। ओनली वन रिक्वायरमेंट, स्वर्गीय कोर्ट में गए हैं, स्वर्ग अगर अभी आज प्रभु के आगमन आ गए, नहीं तो हमारा जाने का टाइम आ गए, आज तो नहीं आएगा, विश्वास करो बात की बात है। जाने का समय में स्वर्ग में जा कर के क्या बोलोगे? मैंने ये किया वो किया ये बोलोगे? हाँ, यीशु ने मेरे लिए किया, उसके कारण मैं लायक हूँ, उसका ही अंदर लायक हूँ। वही याजक मेरे लिए बलिदान चढ़ाया, मुझे सिद्ध किया, मुझे पवित्र किया हमेशा के लिए,
मैं हमेशा प्रभु का हो गया हूँ, मेरे प्रेमी प्रभु हो गया हूँ मैं तेरा, तेरे पास आकर अच्छे बाग को मैं चुना है, तेरे पास आ गया हूँ। एक ही बार एक ही चढ़ाव से बार बार करने वाले नहीं हैं। आज भी कितनी धर्मों में लोगों को देख रहे हो, सूरत शहर में हमारा घर के पास में कितने लोगों को मैं देखता हूँ, रोज जाते हैं, रोज करते हैं। अगर उनसे पूछेंगे आप स्वर्ग जाओगे भैया, पता नहीं मेरा क्रम कितनी होगी, पुण्य कितना होगा, हाँ कितना पाप भर गए, कितना पुण्य भर गए दोनों को, परमेश्वर क्या करेंगे, अपना त्राज में तोलेंगे, मेरा पुण्य बढ़ेंगे, टिकट क्लियर, पाप आएगा तो नरक। हम बोल दे ठीक है आपका कितना हुआ है अभी वो तो बताओ, मुझे नहीं मालूम, तो आंटी पूछे थे, फिर आपका तो मालूम नहीं, आपके जो संत लोग हैं जो घूम रहे हैं उनका क्या हाल है, उनको भी पता नहीं, बेचारा हमको दुख होते हैं, कोई नक्की नहीं है, कोई उनका पक्का नहीं है, अंधेरा में तीर मार रहे हैं, सोच रहे कुछ भी करके कर लेंगे, पटा लेंगे और ज़्यादा शरीर को, बेचारा जवान लड़की लोग नंगे पर जा रहे हैं, बाल खींचते नहा नहीं पाएंगे, कैसे कैसे कड़ोस नियम है, 12 बजे का मैं देख रहा हूँ, अच्छे अच्छे खासा अच्छे पढ़े लिखे लड़के लोग, अच्छे धनवान परिवार के, हम तो जूता पहन के भी जा रहे हैं, हमको तो गर्मी में 4-5 किलोमीटर रोज चलने में मुझे, हाँ वापस से आते हुए धीरे धीरे मैं आता हूँ, लेकिन लड़के लोगों को देखता हूँ नंगे पैर से जा रहे हैं, या लड़का लोग भी, क्यों हमारा देश में ऐसे ऐसे चीज़ों को देखते हुए तरस खाता, यीशु मसीह मालूम है ऐसे लोगों को भी कलीसिया में लाना चाहते हैं, है कि नहीं, उन लोगों के लिए भी ये प्रायश्चित लागू है, वो लोग भी पवित्र किया जाएंगे, वो लोग भी सिद्ध बनाए जाएंगे, अपना खुद की धार्मिकता से नहीं है, महायाजक के पास आएंगे, प्रभु मैं फेल हो गया हूँ मुझे पास कराइए, ऐसा बोलेंगे, उनका केस पास है हो जाएगा, पास कराने के लिए कोशिश करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, फेल होते रहेंगे, कड़े होते रहेंगे, कभी भी उनके पापों का प्रायश्चित हो नहीं, नहीं होगा, नहीं कोई भी नहीं, एक भी नहीं, बाइबल कहता है एक भी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी नहीं बचा पाएगा। महायाजक की सेवकाई आपके लिए मेरे लिए मिल गया, धन्यवाद, हम लोग धनवान है, हम लोग धन्य हैं, इतना बड़ा खजाना हमें मिल गया है। काफ़ी साल पहले मैं जब नया नया प्रभु में, उस समय एक प्रभु के दास हमको सिखाए, मेरे लिए 2 विनती चल रहा है, मेरे इधर से पवित्र आत्मा यहाँ रहते हुए पृथ्वी पर रहते हुए, पृथ्वी पर अभी कौन रह रहा है, यीशु जी नहीं तो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा यहाँ पर मेरे लिए सपोर्ट कर रहा है, यहाँ के कोर्ट में, वहाँ के कोर्ट में यीशु मसीह वहाँ से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, शैतान यहाँ पर भी दोष लगाएगा, वहाँ पर भी दोष लगाएगा, कहीं भी कुछ भी करेगा, कुछ फर्क है नहीं पड़ेगा, हमारा सपोर्ट है भाई, यहाँ पर भी सपोर्ट है, वहाँ पर भी, यहाँ पवित्र आत्मा सपोर्ट है, रोमियो 8 में लिखा है, क्या लिख रहा है, पवित्र आत्मा संतों के लिए क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, क्योंकि देखो मैं तो आपको देखता हूँ, आप बोलेंगे पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, तो मैं क्या प्रार्थना करूँ, कभी कभी हम जानते नहीं, गलती प्रार्थना हो जाता है, मालूम नहीं ना हमको उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। एक बार आए थे एक मिसेस, एक सिस्टर के लिए प्रार्थना करने के लिए बोले, मैं प्रार्थना कर रहा प्रभु इनके बच्चों का आशीष करो, ये करो, बाद में पता चला बेचारा उनका बच्चा ही नहीं, हमको मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं, मनुष्य जानते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर सब जानते, पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहे हैं, पढ़ना रोमियो 8 अध्याय,
27 वचन, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, विनती करता है। आगे, हम जानते हैं कि लोग जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। 26 भी पढ़ना, 24 भी। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखो, ये इसलिए आंटी हमेशा बोलते ना, अन्य भाषा प्रार्थना करो। कभी कभी टेंशन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहे क्या प्रार्थना करेंगे, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने से क्या होगी, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे। आपको मालूम नहीं क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या मतलब है, सही प्रार्थना वहाँ पहुँचना चाहिए। पवित्र आत्मा आपके लिए आपके अंदर से रहते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ पर स्वर्गीय सिंहासन पे पिता की दाहिने ओर यीशु जी बैठ करके मेरे लिए विनती कर रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा, त्रिएक परमेश्वर हम विश्वास कर रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा पृथ्वी पर भेजा गया हमको सपोर्ट देने के लिए, सहायक। यीशु ने बोला था, मैं जा रहा हूँ तेरे लिए सहायक, मेरे जैसे दूसरा एक सहायक को भेजूंगा, वो रहेगा, तुमको सिखाएगा, तुमको हर चीज़ बताएगा, तेरे लिए कमजोरी में मदद करेगा। आज इस बात को विश्वास करो, कमजोरी को जानने वाले हैं पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के बारे में भी बोल रहे हैं इब्रानी का किताब में, ऐसा जो महायाजक है हमारा जैसे प्रकार गए, हमारा कमजोरी को जानने वाले। इब्रानी 4:14-15-16 वचन पढ़कर प्रार्थना करेंगे। इब्रानी 4:14-15-16, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, ऐसा बड़ा महायाजक हमारा, ये सब देखो, हमारा महायाजक तो हमारे लिए प्रायश्चित तो सबके लिए, तो हमारा एक महायाजक आगे जो स्वर्गों से होकर गया है, स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु, तो आओ आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, अपना अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आगे, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता सब बोलते हैं, जरूरत के समय हर बार दौड़ के आना, कृपा से पाने मदद, तुम्हारे निर्बलता में देख करके मजाक नहीं उड़ाएगा। रोमी 8 में बोल रहे हैं पवित्र आत्मा हमारा निर्बलता में मदद करता है, वहाँ पर भी मददगार है, स्वर्गीय कोट में हमारा ही समान प्रका गया, निष्पाप निकला। मैंने इसलिए बोला ना, वकील अगर गड़बड़ है वो वकील का काम नहीं कर पाएंगे, जो टीचर है खुद मैथ्स नहीं जानता है वो क्या मैथ्स सिखाएगा। हाँ, ऐसा महायाजक है, पाप से जीता, वही हमको पाप से पाप के ऊपर जीतवाएगा, वही हर पापों में जय पाए। हमारा समान उसका प्रॉब्लम आया, लेकिन वो जीता, हमारे लिए विनती करता है। इसलिए आओ कृपासन के पास, समय के अनुसार हर बार कृपासन हमारे लिए खुला है। आज अच्छा संदेश ये है आपके लिए, कृपासन है, न्यायासन नहीं। अभी कौन सा आसन? कृपासन, कृपा का सिंहासन। एक दिन आने वाले न्यायासन, उसमें यीशु जी बैठेंगे, न्याय करेंगे, वो भी लिख रहे हैं। लेकिन आपको न्याय करने के लिए
बैठे नहीं, अलग अलग जजमेंट माले में। एक तो सफेद सिंहासन का जजमेंट है हजार साल के बाद, लेकिन वो दुष्ट लोगों के लिए, हमारे लिए जब प्रभु की आगमन आएगा उसके बाद। लेकिन जब तक उसके सिंहासन में ग्रेस 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 ग्रेस, हालेलुया, क्या लिखा है, अनुग्रह 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 अनुग्रह, आओ आओ, हाँ पहले जाते जाओ 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 बोलते थे सीनाई पर्वत पर, क्या बोलते थे, जाओ, निकट भी नहीं आना, जानवर भी नहीं आएगा, गोलियां चढ़ा देंगे गोली नहीं, उस समय में क्या करते थे, पथराव कर देते, जानवर भी आके चोएगा, पत्थर मारेंगे। क्यों इतना कड़ूस है, क्योंकि बीच वाला उस समय में नहीं, कोई नहीं था। लोग अपने धार्मिकता में प्रभु के पास केवल मूसा ही जा पाता था, है कि नहीं, इवन दूसरे लोग भी हिम्मत नहीं करते थे। ऐसा जगह में से अभी हम सियोन पर्वत पर, कहां पर आ गए, सियोन, इसलिए हम गाना बने, हम सियोन पर्वत के पास आए, उस लहू के पास आए। एक ही वचन पढ़ेंगे, पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे, इब्रू ने 12:24 वचन, भलाई की बातें करते हैं उसमें हम आए हैं, आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इब्रू ने 12:24, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। उत्तम बातें कहते, किसके पास आए हो, छिड़काव के उस लहू, मतलब जब वकील का काम आपके चालू हो गए, सबसे पहले वकील क्या कर दिए, उनका लहू आपके ऊपर छिटका दिए, लहू लग गए, कोर्ट में पास हो गए, स्टैंप हो गए, यीशु जी का पिताजी वही देखेंगे, अरे इसके ऊपर देखना लहू के निशान है कि नहीं। वहाँ पर उस लहू, जीवित लहू है, जिंदा लहू है, वो बोलेगा ये अगस्तीन तामस धर्मी है, वो बोलेगा आपका नाम डाल देना, वो लहू बात करेगा, बोल रहे लहू बात करेगा, लहू में जीवन है, यीशु जी का जीवन है, उस लहू का हमारे में चिटका दिए, उस लहू हमारे लिए भलाई बातें कहते हैं, ये बात, ये आदमी धर्मी है। हाँ क्या भलाई बात है, मेरे कारण, मेरे लहू के कारण ये आदमी धर्मी। उस लहू के पास हम आए, सियोन पर्वत के पास आए, काफी हजारों लाखों स्वर्गीय दूतों के पास आए हैं, पवित्र लोगों की संगति में आए हैं, मुदर पेरा नोरडे कष्टपट्टु पाड़ना मुदर पेरा नोरडे सर्व संगमाम सवयदिले। ठीक है, गाना गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, लहू के पास हम आए, अपने स्थान पर खड़ा रहेंगे हम, उस लहू के पास है यफ्स्केल मा, हालेलुया, सियोन पर्वत के पास हम आए, उस लहू के पास आए, हालेलुया, प्रभु के नगर में हम आए, दूतों के संग में हम आए हैं, हालेलुया, संतों के संगति में आए हैं, नाम मेरा लिखा है पाइलोटा की सभा में, हालेलुया, उस लहू के पास हम आए हैं जो कहता भलाई की बातें, उस लहू के छिड़काव से तूने हमें साफ और पवित्र किया, उस लहू के पास हम आए हैं जो कहता भलाई की बातें, उस लहू के छिड़काव से तूने हमें साफ और दिया भरोसा में, यीशु के लहू से कोला मारे लिए पवित्र स्थान का द्वार, दिया भरोसा में
यीशु के लहू से खोला हमारे लिए पवित्र स्थान का द्वार। तेरे कृपासन के पास आए हम पाने को तुझसे दया, उस आशा को पाने को दौड़े हम। प्राण का लंगर है जो तेरे कृपासन के पास आए हम पाने को तुझसे दया, उस आशा को पाने को दौड़े हम। प्राण का लंगर है जो हिम्मत से आए हैं कृपा से पाने मदद, तरस का तमारे कमजोरियों पर ओ हिम्मत से आए कृपा से पाने मदद, तरस का तमारे कमजोरियों पर ओ। आमीन। हम सियोन पर्वत पर आए हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं। आज मेरे बच्चे लोगों को आपकी सन्निधि से, आपके सियोन पर्वत से आशीष का घोषणा करता हूँ, चंगाई का घोषणा करता हूँ। धर्मीठर आए हुए हैं, आपके समूह में स्वीकार किए हुए हैं। प्रभु जी हमेशा आपके संगति में प्रेम की भावना में बने रहें, आपके आगमन तक संभालें। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन। मेरा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे हैं, आमेन।